मैं था पूरब का छैला और वो था पश्चिम का मैला खोदते तो मुझसे कुछ ही सेकंड छोटा है ना बुद्धि भी छोटी है। लेकिन अपनी बीवी के सामने इतना छोटा कैसे बन सकता है आ? दिन भर तुझसे पैर दबवाती रहती है अरे किसी दिन मौका मिले ना तो उसका टेटुआ दबा दे वो नाग बनी तुझे मिलनी चाहिए थी खुद तो जिंदगी भर कुछ कर नहीं सका मेरे को सीख दे रहा है आ? निकल यहां से था खोदता ही मर गया लेकिन मैं मरने वालों में से नहीं हूं मारने वाले में से हूं ये तेरा स्टेटस डाउनलोडिंग हुई है ना वो मेरी वजह से हुई है, मेरी वजह से अब क्या लेने आई मनु सौरत मेरे भाई को तो खा गई अब मेरा तो उससे कोई लेना देना नहीं मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है मदद कैसी मदद बिना मतलब के तुम्हें अपनी खुद की मदद भी नहीं करता मैं वो नागमणी आपको दे दूंगी मेरा मतलब है नागमणी का पचास टका हिस्सा आपका पक्का देगी हाँ क्या चाहिए नया परिवार नई जिंदगी चाहिए मुझे आप तो पार्टी में आ रहे हो ना ऑफ कोर्स नो आई वेट फॉर यू गाइस हम सब लोग यहीं पर हैं ओके आई सी यू सुनो ना अब से मेरी एक फ्रेंड मुंबई आई हुई है शादी होने वाली है क्या मैं उससे मिलने चली जाऊँ दोस्तों को मिलने के लिए पूछा थोड़ी करते हैं अब मैं इस घर में जब तक पसारा मार के बैठा रहूंगा जब तक तू मुझे मेरा हिस्सा नहीं दे देती नहीं तो मतलब जे जी आप यहां नहीं रह सकते ए अगर तूने मेरा कहा नहीं माना अगर तूने मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया तो बारी बरसी खतरण गया सी तेरा वो हल करूंगा जो तू तो सोच भी नहीं सकती है आप ना बिल्कुल मेरे पति जैसे नहीं 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 उसको तो तू थप्पड़ मारती थी ना लेकिन मुझे नहीं मार पाएगी अगर तूने मेरा कहा नहीं माना तो तेरे इस किराए के घर वालों के सामने मैं तेरा भांडा फोड़ दूंगा अगर तूने मुझे नागमनी में हिस्सा नहीं दिया तो तेरा किस्सा यहीं पर खत्म कर दूंगा इस घर में जो तू बड़ी मां बनकर बैठी हुई है ना ना तो ये घर तेरा है ना ही ये घर वाले तेरे हैं इन किराए के टुओं को तूने पैसे का लालच देकर अपनी मुट्ठी में किया हुआ है ना यह बात तू भी जानती है और यह बात मैं भी जानता हूं लेकिन तेरे बच्चे इस बात को नहीं जानते तेरा रॉकी इस बात को नहीं जानता कि इस घर में घुसने के लिए तूने किस किस की चटनी पीसी है तेरा पूरा का पूरा बायोडाटा मेरी मुट्ठी में छपा हुआ है अगर ज्यादा चूचा पड़की ना तो पूरे घर में इसे मैं छाप दूंगा अब मेरी बात सुन ये मेरी जूती ले मेरी चप्पल लेके आ एक दिन इन्हीं चप्पलों से मैंने तुम्हारा सर नहीं फोड़ा तो देखना की बोली की बोली की बोली मैं क्या बोल सकती हूँ अरे अपने जेठ जी को मैं कुछ नहीं बोल सकती हाँ करूँगी ना ये आपके चरण पादुका जानती मैं तेरे पति से पूरे के पूरे सैतीस से सेकंड बड़ा हूँ पहले मैं आया दुनिया में उसके बाद वो आया लेकिन किस्मत देख मेरे से पहले मर के वो ऊपर चला गया और मैं आज भी यहाँ बैठ के मजे ले रहा हूं और कुछ ला सकती हो आपकी सेवा में एक गिलास गरम दूध लेके आ केसर मार के हाँ गरम दूध केसर मार के अभी लाई सरकार मोती तेरा बुरा समय शुरू हो गया अब ये जिंदा है कैसे ये तो मैं सोच रही हूँ कैसे ये मेरी माँ का दुश्मन है मेरी माँ का दुश्मन मेरा दुश्मन पर समझ में नहीं आ रहा कि ये जिंदा कैसे है यामनी भी तो मर के जिंदा हुई है। वैसे चाहे जैसे भी हूं मैं पता लगाऊंगी कहीं मेरे पापा की मौत में इस आदमी का हाथ तो नहीं मां को कई बार कहते हुए सुना है कि पापा को कुछ लोगों ने मिलकर मार डाला मैं पता लगा लूंगा लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे घर जाना होगा नहीं तुम उस घर में मत आना वहां तुम्हारी जान को खतरा है उन लोगों को लगता है कि तुम मर चुके हो मैं पता लगाऊंगी मुझ पर किसी को शक भी नहीं होगा तुम गुरुदेव के पास जाओ उनसे पूछो शायद उन्हें कुछ पता हो की भाभी तो पार्टी थी और ये लड़का कौन है इनके साथ Sorry, चले। शिवंगी हेलो जी हाँ मैं आ रहा हूं ए मोटी, तेरे पति को तेरी आंखों के सामने मारा है मैंने सबको लू बना सकती है मुझे नहीं बोल बोल उसका आम शक्ल कहा से उठा के ले आए वो तो अपनी ये रिकॉर्डिंग बंद करेगी तभी मैं कुछ बोलूंगी बोल चुकी हूँ ना कि वो मेरे पति का भाई है बड़ा भाई है जुड़वा भाई है वो ये तो नीचे बोल चुकी वही तो, तो मैं ऊपर भी बोल रही हूं। वो उस माली का बड़ा बड़ा भाई है बड़ा मतलब जानती है कितना बड़ा सिर्फ सैंतीस सेकंड बड़ा लेकिन लेकिन उसी की वजह से मुझे ये नाम ये परिवार ये रुतबा मिला है उसी ने मुझे इस घर के अंदर घुसाया है और आज आज वो खुद इस घर के अंदर घुसाया है वो नहीं जानता की मैं कौन हूँ और आटिंग तो की दुकान वो क्यों आया है जिसके लिए तू यहाँ आई नागमणी के लिए नए अपने रूप में आने की गलती भी मत करना क्योंकि मेरे पास ये है जोर का झटका हाई जो से लगा दो बार झटके खा चुकी है काली नागिन भूल गई चल अब शांत हो जा वो मुझसे नागमणी मांग रहा है मैं कहा वो नागमणी उसे देने वाली हूं तो जाके उसे उसे नागमणी नहीं मिलेगी क्यों जाकर कहू नागिन और वो, वो मधुमक्खी तुम दोनों कब उसे खत्म कर दो सैतीस सेकंड में खत्म करके आ जाओ करोगी ना आए चल आजा अपने कैरेक्टर में बड़ा आया है एंकी टू एंकी वन मेरा पति जब मैंने उसे खत्म कर दिया तो क्या चीज है ये एंकी टू? चल चल जल्दी से अपने रोल में आ जा जो देखो मुझे देखती रहती मैं जानती हूं मैं खूबसूरत जान अपने काम पे लग जा। एंकी टू, आज तेरा खेल खत्म तू वो कर क्या रही है अंदर दोनों ने मार दिया एंकी पार्टू को नहीं नहीं मार सके <laughs> મેને પતા થા મોટી આમની મુજે મારને કે લિયે ઇચ્છા ધરી નાગીન ઓર મદુમકકી કો જરૂર લેકે કી હે જે મેરે ભાઈ કો નહીં બક્ષયા તુ મુજે ક્યા બક્ષેગી પર હુણ મે ભી અપુરી તૈયારી કે સાથ આયા હું અબ મે તરી એસી બહેન બચاؤંગા મોટી કી તુ ભી જિંદગી પર યાદ રખકે કી ना कह तू मधुमक्खी दोनों शक्तिशाली और तुम दोनों मिलकर एक एक आदमी को नहीं मार सके वो आदमी नहीं तो क्या है वो? वो मेरा मतलब मामूली आदमी नहीं, उसके पास ऐसा कुछ खास है जिसकी वजह से हमारी शक्तियां काम नहीं आई अच्छा एक बात बताओ उसने तुम दोनों को देख तो नहीं लिया ना नहीं वो गहरी नींद में सो रहा था पर हमें पता लगाना होगा कि उसके पास ऐसा क्या है जिसने उसे बचा लिया नागमणि का एक और पार्टनर नहीं चाहिए मुझे